चिल्लू पार समागम के प्रायोजक करता है फॉक रियलिटी साइन ऑफ एक्सपीरियंस एफराज जेम्स एंड ज्वेलर्स गोरखपुर श्री बालाजी कार केयर बढ़लगंज असम्पशन पब्लिक स्कूल बढ़लगंज गायत्री चिल्ड्रेन हॉस्पिटल बढ़लगंज व श्री राम हॉस्पिटल बढ़लगंज। धन्यवाद संतोष जायसवाल जी। चिल्लू पार समागम के इस दूसरे सेशन में अब हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्षा महिला मोर्चा की श्री अस्मिता चंद जी मंच पर उपस्थित हैं। हम इनका सक्षम मीडिया की तरफ से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। सवाल की शुरुआत करते हुए जानना चाहूंगा, महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे अब आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं, क्या माहौल देखती हैं भाजपा के पक्ष में? बहुत ही अच्छा माहौल है और एज अ प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा के तौर पे जो है मुझे विभिन्न जिलों में जाने का अवसर मिला। प्रदेश में कई जगह मैं जो है इधर बीच जो है गई हूँ और जैसा कि हम लोग का मिशन है, विजन है, सबका साथ सबका विकास, ये सबके सिर चढ़ के बोल रहा है और बहुत ही अच्छा माहौल है। योगी मोदी जी का जो आभा मंडल है उसके अंतर्गत जो विकास कार्य हो रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है और निसंदेह 2022 में वो आपको पुनः एक बार दिखाई देगा। एक जननेता के तौर पे आप काफी सक्रिय हैं और संवैधानिक रूप से अगर हम बात करें तो जनप्रतिनिधि बनने की तरफ आप अपनी कदम भी बढ़ा चुके हैं। एक विशेष उपलब्धि जो आप बताना चाहें स्वयं की? जी मैं बिल्कुल सही कहा आपने, मैं अपने कदम जो है अपने घर की चौखट से बाहर निकाल चुकी हूँ एक समाज सेविका के रूप में और मैं अपनी विशेष उपलब्धि यही कहूंगी कि जो चिल्लू पार की जनता का आशीर्वाद ने प्यार जो मुझे मिल रहा है अभी यही मेरी उपलब्धि है। जो प्रदेश में ये उपाध्यक्ष का पद मिला है ये इन्हीं के आशीर्वाद और स्नेह से जो है मिला है और आगे भी जो भी पद मुझे मिलना है इन्हीं लोगों के आशीर्वाद और स्नेह से मिलेगा। चिल्लू पार की अगर हम बात करें तो अब तक कई जनप्रतिनिधि रहे हैं, जितने भी लोगों ने चिल्लू पार का प्रतिनिधित्व किया है अब तक में उन्हें उसमें से किसे आप बेहतर पाते हैं? देखिए चिल्लू पार का अभी तक जितनों ने प्रतिनिधित्व किया है उसमें मैं सबसे ज्यादा अगर कहूंगी तो मैं अपने बड़े ससुर स्वर्गीय मंत्री मार्कंडेय चंद जी को इस मंच से प्रणाम करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ और सबसे ज्यादा कार्य उन्होंने ही किया है क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान चिल्लू पार है ये एक तरह से देखिए पुराना धुरिया पार और चिल्लू पार मिलाकर के लगभग एक तिहाई भाग जो है वो धुरिया पार का है और अगर विकास देखा भी जाए तो भाई मैं अपने तरफ का बताऊंगी, धुरिया पार का जो पुल है, सुपाई का जो पुल है, चिलवा का जो पुल है या गोला से कौड़ीराम से लेकर के गोला तक की जो रोड है, जितने भी विकास हुए हैं उसमें मैं सर्वोपरि जो है अपने ससुर जी का पाती हूँ। हम बात करें आप चुनाव मैदान में हैं, कोई कोई लक्ष्य होता है प्रत्येक इंसान का, राजनीति की अगर हम बात करें चिल्लू पार की बात करें हम, अगर चुनाव जीतती हैं विकास को लेकर के आपका क्या विजन होगा? देखिए अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मैंने एक चीज देखा है कि हमारे चिल्लू पार में एक बहुत बड़ी भूमि क्या लीजिए वो ऊसर के रूप में है, आप भी देखे होंगे उधर चीनी मिल साइड का, तो मेरा ये मन है, मेरा ये मानना है कि वहां पे गीडा के तर्ज पे एक औद्योगिक गलियारा बनाया जाए, उसको औद्योगिक रूप में जो है उस जगह को जो है विकसित किया जाए जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके और अच्छा विकास हो। दूसरा मैंने देखा अभी 98 में भी देखा था और अभी प्रेजेंट टाइम में भी आपने देखा होगा कि बाढ़ से जो है इधर
बढ़रगंज के साइड के लोग जो है बहुत परेशान रहे और बाढ़ की विभीषिका बहुत अपने चरम पे थी। तो मैं जो पुराने बंधे हैं उनका चौड़ीकरण उच्चीकरण इस पे मैं विशेष जोर दूंगी ताकि जो परेशानी इस साल लोगों को हुई है वो आने वाले समय में ना हो। और बढ़रगंज के जो जो घाट है पोहारी महाराज जी का जो वो है उस पथ को मैं जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए एक वहाँ का सुंदरीकरण कराना चाहूँगी। और एक महिला होने के नाते जो है अपने चिल्लू पार में महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, महिलाओं होने के नाते भी महिलाओं के को आगे ले जाने के लिए आपने जड़ पादुका की भी बात कही। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर हम वर्तमान राजनीतिक चलन में जाति समीकरण को लेकर के आधार पर चुनाव लड़ने की जो बात होती है, हालांकि राजनीतिक पार्टियां इसको नकारती हैं लेकिन फिर भी ये टिकट का आधार रहा है। चिल्लू पारी ने गोरखपुर जनपद की अगर हम बात करें तो एक लंबे समय से क्षेत्र में बामहर ठाकुर की जो राजनीति है वह चरम पर रही है, हालांकि बीच के दिनों में थोड़ा कम भी हुआ है लेकिन एक बार फिर इस चलन को हवा देने की कोशिश की जा रही है। चिल्लू पार की बात करें तो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, आप ठाकुर वर्ग से आते हैं, हालांकि संख्या भी बहुत कम है, इस परिस्थिति को आप कैसे फेस करेंगे? देखिए मैं भी जो है इस चीज को नकारती हूँ। ये जाति समीकरण वर्तमान समय के राजनैतिक उसमें जो है कहीं भी ये खरा नहीं उतरता। कुछ नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं जो इस चीज को हवा दे रहे हैं लेकिन मैं इस चीज को पूरी तरह से नकारती हूँ। और मेरा ये मानना है कि परमपिता परमेश्वर ने जो है मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा किया और उसी ईश्वर ने जो है समाज के अन्य लोगों को विभिन्न कुलों में जो है पैदा किया है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम किस कुल में पैदा हो किस वर्ग में हो, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आपने भी देखा होगा कि इसकी कोई भी योजनाएं आई हैं तो वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं आई है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं आई है। और मतलब पार्टी में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई भी पद मिलता है तो वो किसी वर्ग विशेष को नहीं मिल रहा है, जाति विशेष को नहीं मिल रहा है। समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को हवा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं शुभम जी कि जब से मेरी शादी हुई मैं बहू बन करके आई हूं, ये ब्राह्मण समाज का ही जो है मेरे पे विशेष आशीर्वाद रहा है और ये सदैव से ये लोग पूजनीय हम लोग के रहे हैं, क्षत्रिय कुल के ये सदैव से पूजनीय रहे हैं, सदैव हम लोगों ने इन लोगों को देवता तुल्य माना है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी जो है अस्मिता चंद को एज अ बेटी एज अ बहू इन लोगों का आशीर्वाद मिलना है और जरूर मिलेगा। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि आप आशीर्वाद आपको मिले। बात करें हम जातिगत राजनीति की, हमने बात कर ली चिल्लू पार के विकास को विजन को लेकर के हमने बात कर लिया। बाढ़ चिल्लू पार की अगर हम बात करें, बाढ़ और आग दुर्भाग्य ये चिल्लू पार का कि दोनों तबाही ही तकदीर में है, इसे निजात के लिए आपका क्या विजन है बाढ़ से निजात के लिए? देखिए 98 में जो बाढ़ आई थी वो मतलब प्रेजेंट टाइम में भी जो बाढ़ आई थी लगभग आपने देखा होगा कि वही लेवल इस बार भी जल स्तर का था। लेकिन पहले से जो है कुछ ये जो हमारी बांध है जो रोड है ये सब ऊंचे किए गए हैं और ये ईश्वरीय प्रकोप है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से जो है वो सबको समान रूप से मतलब खाद्यान्न पहुंचाया और आने वाले समय में भी जो है हम लोग बांध को मजबूत करके रोड को चौड़ा करके और ऊपर उठा करके जो है इस चीज से हम लोग निजात पा सकते हैं और आने वाले समय में ये पक्का होना है। अभी मैंने एक सवाल किया था कि जितने भी चिल्लू पार में प्रतिनिधि हुए हैं किसे बेहतर पाते हैं, आपने अपने परिवार के ही सदस्य स्वर्गीय श्री मार्कंडेय चंद जी का नाम लिया। आप पहले भी धुरियापार विधानसभा क्षेत्र से निर्दल चुनाव लड़ चुकी हैं, बताया जाता है कि उस चुनाव में बीजेपी से ही आपके चाचा ससुर सिंह स्वर्गीय श्री मार्कंडेय चंद्र जी प्रत्याशी थे, किन परिस्थितियों में आपको वह चुनाव के खिलाफ लड़ना पड़ा? देखिए वो उस समय की जो है कुछ विशेष परिस्थिति थी
और जो उस समय मैंने बहुत ही मेहनत किया था, वो मेरा मतलब स्टार्टिंग दौर था। भारतीय जनता पार्टी से मैंने शुरुआत की थी और बहुत ही अच्छा माहौल था और बहुत ज़्यादा संख्या में जो है समर्थक जो है मेरे साथ में थे। तो जो लोग मेरे साथ चल रहे थे उन लोगों का दबाव था कि आप चुनाव लड़िए, और कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि मुझे उस समय चुनाव लड़ना पड़ा। आप आज भारतीय जनता पार्टी में एक जिम्मेदार पद पर हैं, इससे पहले आप समाजवादी पार्टी में भी रही हैं। वर्तमान राजनीतिक और राष्ट्रीय परिवेश की अगर हम बात करेंगे तो दोनों में से किसे बेहतर पाती हैं आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को। मतलब वर्तमान समय में इसके टक्कर में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। आप भी देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी जो है वो एक परिवार की पार्टी रही है, और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद तो एकदम नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो भी पद मिले, वो चाचा भतीजे मामा, मतलब जितना भी जितने भी लोग हैं वो सब परिवार के लोगों को ही उसमें भरा गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए तो यहाँ पे मतलब परिवारवाद तो दूर की बात है, यहाँ पे सबके साथ सबका विकास लेकर के हम लोग साथ चलते हैं, और कोई वर्ग विशेष की बात नहीं है, कोई जात विशेष की बात नहीं है। तो निश्चित रूप से ही जो है वर्तमान समय में सबसे राजनीतिक पार्टी के रूप में न केवल भारतवर्ष में, मैं कह रही हूँ शुभम जी, पूरे विश्व स्तर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदार पद पर हैं आप, अब आप चिल्लूपार विधानसभा से दावेदारी भी कर रही हैं टिकट के लिए। आपकी पार्टी में और भी लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, संगठन आपको ही टिकट क्यों दे? संगठन मुझे ही टिकट क्यों दे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मेरा ये मानना है कि मैं 2007 से लगातार मैं लगी हुई हूँ, मेरा परिवार लगा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे बड़े ससुर जो है मंत्री के रूप में, वो भी जो है जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। मेरे जेठ आदरणीय श्री रणविजय चंद जी भी जो है निर्विरोध रूप में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। मेरे ससुर जो है वो प्रमुख के रूप में जो है जनता की सेवा किए हैं। और मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि पूरे कोरोना काल में, मतलब मैं यहाँ पे पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना मैं एक महिला होकर के मैं चली हूँ, लोगों की मदद की हूँ, चाहे वो लोगों को एडमिट कराने से लेकर के लोगों के घर तक खाद्यान्न पहुंचाने से लेकर के मास्क सैनिटाइजर और अन्य सामग्री जो वितरण करना हुआ वो मैंने किया। और मैं आपको बता दूं उसी दौरान जो है मेरा पूरा परिवार भी कोरोना ग्रसित हो गया था। बड़ी दुख की बात है कि इसी कोरोना महामारी ने जो है मेरे सिर से जो है मेरे ससुर का साया भी छीन लिया। मैं उस समय लगी थी, फिर अभी बाढ़ के समय में भी मैं बता दूं, बाढ़ राहत सामग्री जो है मेरे परिवार में मैंने जो है पूरी तरह से जो है इधर बाढ़ जितने एरिया में आई थी मैंने बांटा है। और संगठन ने मुझे जो भी काम दिया उसे मैंने पूरी निष्ठा से, पूरी जिम्मेदारी से मैंने निभाया है। तो मुझे पूरा विश्वास है, और एक महिला होने के नाते भी मेरा ये मानना है कि अब भारतीय जनता पार्टी में जो है महिलाओं को जो है विशेष स्थान दिया जा रहा है। जैसा कि आप देखे होंगे कि पंचायत चुनाव में भी जो है महिलाओं की भागीदारी थी, उसी तरह से निसंदेह रूप में जो है विधानसभा के चुनाव में भी जो है महिलाओं की भागीदारी रहेगी और मेरी भी रहेगी। मान लिया संगठन ने आपको टिकट दे दिया, आपने कहा कि भाजपा महिलाओं को आगे ले जा रही है, बहुत अच्छी बात है, ले जाना चाहिए, जनता आपको फिर क्यों पसंद करे? जनता मुझे इसीलिए पसंद करे क्योंकि जनता के सुख दुख में मैं दिन रात लगी हुई हूं। मतलब शायद मेरी वजह से जो है अन्य जनप्रतिनिधि भी वो तेज रफ्तार से हो गया है कि हाँ अस्मिता चल रही है तो मुझे भी जो है चलना चाहिए। मैं एकदम निडर होकर के इस मंच से कह रही हूं, और मैं जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ी रही हूँ, जनता के सुख दुख में जाती रही हूँ, मेरा परिवार हमेशा से लगा हुआ है। और
मेरा ये मानना है जनता को चाहिए क्या है, यही कि मतलब उनकी बातों को जो है ऊपर तक ले जाया जाए, उनके सुख दुख में जनप्रतिनिधि हमेशा खड़े रहे, वो सारी चीजें मेरे अंदर हैं। खुदा न खास्ता अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अगला कदम क्या होगा? अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो देखिए मैं आपको बता दूं, 2017 में भी मैं टिकट मांग रही थी, लेकिन 2017 में पार्टी ने नहीं दिया और मैं मतलब टिकट मांगने के बावजूद मैं बता रही हूं कि राजेश भैया का जितनी मदद मैंने किया शायद ही टिकट मांगने वाले अन्य कोई प्रत्याशी ने किया होगा। गोला में उनको जो है कार्यालय खोलने की जगह नहीं थी, मैंने अपने घर में जो है उनको कार्यालय के लिए जगह दिया। तो पार्टी का जो भी निर्देश रहेगा वो मेरे लिए सहर्ष स्वीकार रहेगा और उस समय की परिस्थिति बताएगी क्या होगा। मतलब अगला कदम परिस्थितियों पर आप छोड़ रही हैं? छोड़ना भी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत ही बेबाकी से आपने हमारे द्वारा जितने भी सवाल हुए उसका जवाब दिया और बहुत ही प्रेम से आपने कहा कि राजेश भैया का आपने मदद किया, राजेश के साथ आपने भैया सब जोड़ा, मुझे लगता है कि बहन होने के नाते आपने मदद भी की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सक्षम न्यूज़ इंडिया को अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।